For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, my name is Dr. Mohammad Awais Abid. I am practicing as a consultant physician and gastroenterologist. We will talk about sugar and the disease, so that a young man will get a little awareness of what sugar is and why it is necessary for its treatment. Because it is a very important question. The sugar we do through three tests. One is random blood sugar testing, which we go to any time and test our sugar. The sugar test is 126 to 199, if you have fasting levels, or 199 or more after eating, or 200 or more, then we test that in this patient, the sugar is there. इसके अलावा एक तीन महीने का टेस्ट होता है शुगर का, HbA1c जिसको हम कहते हैं. अगर उसमें आपके लेवल्स जो हैं वो 6.5 से ज़्यादा आ जाएं तो फिर भी शुगर की तशखीस जो है वो कर ली जाती. अलामत बहुत सारी हैं शुगर की, कभी कभार पाँव का जलना, सुन होना, प्यास का ज़्यादा लगना, रात को सोने के बाद पेशाब के लिए एबनॉर्मली उठना. आम एक आम इंसान रात को सोने के बाद पेशाब के लिए नहीं उठता. कमज़ोर हो जाना. इसके अलावा बहुत सारी और अलामत हैं जो कि शुगर को हमें शो करती हैं, जिनके साथ ही हमें ज़रा शुगर के बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी टेस्टिंग जो है वो करवानी चाहिए. शुगर का इलाज क्यों ज़रूरी है, ये एक बड़ा अहम सवाल है. आम तौर पे लोग 250, 300, 350, 400 की ब्लड शुगर्स पे नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, जिस तरह के वो अपने लो ब्लड शुगर्स पे काम करते हैं. आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ तो ऑब्वियसली उससे इफेक्ट नहीं होती. शायद शुरू में कुछ सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ साथ आपके सिम्टम्स जो हैं वो मतलब आप आदी हो जाते हैं, आप इम्यून हो जाते हैं उन सारे सिम्टम्स को. लेकिन हर वो दिन जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, हर वो परसिस्टेंटली 7-8 दिन 10 दिन जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, तो आपके गुर्दों पे, आपके पट्टों पे, आपकी टांगों पे, आपकी खून की नालियों पे जो उसके असरात हैं वो होना शुरू हो जाते हैं. दो कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, मैं अपने अक्सर मरीज़ों को बताता हूँ कि शुगर का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कभी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े. शुगर का इलाज इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी आपके पाँव पर ऐसा ज़ख़म ना बने जो कि हम मतलब ट्रीट ना कर सकें, जिसके नतीजे में फिर बाद में आपकी शुगर के जरिए उसके आपके पाँव को या किसी उंगली को जो है हमें काटना पड़े. ये वो ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिसके साथ फिर ज़िंदगी जो है वो और मुश्किल होती चली जाती है. एक दफ़ा शुगर की तशखीस कर ली जाए तो उसके बाद फिर हमें अपनी ग़ज़ा की तब्दीली, अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन और अपनी दवाइयों के साथ जो है शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए. डेली एक्टिविटी 35 टू 40 मिनट्स पर डे रोज़ाना, तकरीबन हफ्ते में 5 दिन करना आपकी शुगर को बड़ा मुतवाजन तौर पे कंट्रोल रखता है. आपकी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह मीठे का कम खाना या ना इस्तेमाल करना जिनके शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं. कार्बोहाइड्रेट डाइट को ज़रा रिस्ट्रिक्ट करना, जिस तरह चावल इसकी एक मिसाल है. सब्ज़ियों में हम अपने मरीज़ों को ये समझाते हैं कि जितनी भी सब्ज़ियाँ ज़मीन से नीचे उगती हैं, आलू उसकी एक मिसाल है, अगर आप उसका इस्तेमाल ना करें या कम कर दें तो आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा अच्छी कंट्रोल होती है. फलों में कुछ फल हैं जिस तरह हम सब जानते हैं, आम जो है उसके अंदर शुगर का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. केला, अंगूर और खजूर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं हम नहीं इस्तेमाल करते. इसके अलावा जो है आप अपना जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या जो फास्ट फूड का कंटेंट है आपकी डाइट में उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको लिमिट करें. और इसके अलावा आप जो ये जो रोटी है जिस तरह नान, खमीरी रोटी जो है जिसकी जो कार्ब कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, और फिर ऐसे फल हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़रा हाई होता है, अगर हम उनको अवॉइड करें तो हम अपनी शुगर को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं. शुगर की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपके पाँव का सुन हो जाना, पाँव पे जलन आ जाना, पाँव का सूज जाना जो है गुर्दे जब मुतासर होते हैं तो पाँव में सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा ज़ुबान का खुश्क हो जाना, आपको बार बार प्यास लगना, कमज़ोरी महसूस करना, बिनाई की कमज़ोरी शुगर की एक कॉम्प्लिकेशन है. इसके अलावा आपके जिगर पे ये मुतासर इसको करती है, आपके हाजमे के निज़ाम को मुतासर करती है, अगर से कि आपके पूरे जिस्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो शुगर के ज़्यादा होने से मुतासर होती. लेकिन दो इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक गुर्दों का मुतासर होना जिसको हम क्रिएटिनिन के ज़्यादा हो जाने से
मांगते हैं, जिसके बाद फिर अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जहाँ पे हमें गुर्दे वॉश कराने पड़ते हैं, यानी डायलिसिस कराना पड़ता है, और फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे खून की नालियों पे इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि पाँव की खून की सर्कुलेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, कोई भी ज़ख्म अगर बन जाए तो हील नहीं होता और ज़ख्म बनने की इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो है वो ट्रीट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हम ट्रीट करते हैं या डायलिसिस करते हैं या पाँव एक कटे पाँव के साथ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शुगर का बरवक्त इलाज जो है वो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को आपसे दूर कर सकती है, और आज के ज़माने में नई दवाइयों के साथ, कुछ लोगों की इंसुलिन के साथ और कुछ लोगों की इंसुलिन के बगैर, इस मसले का इलाज जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है। इस बीमारी के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें या कोई भी आगाही हासिल करना चाहें तो मरहम के थ्रू आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।